नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके अपने चैनल उमर से लाइफ केयर में। दोस्त, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो आपके उंगली कहीं पर दब जाती है, ईंट आपके उंगली पर गिर जाती है या आपका कहीं उंगली किधर दब जाता है, ऐसे ही जम जाता है और रक्त का थक्का जम जाता है, काले टाइप का हो जाता है। जब रक्त का थक्का जमे तो आपको क्या क्या करना चाहिए, किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। मैं सबसे पहले आपको ये बताने वाला हूँ, जब आपके फिंगर पर ऐसी निशाने पड़ जाएं तो उस टाइम आपका बस एक ही चीज़ करना होता है, पता है क्या? आप सबसे पहले यहाँ पर मतलब जब चोटिल हो या जब आपकी उंगली में ऐसी स्थिति हो, तुरंत दब जाए तो यहाँ पर बहुत ही दर्द, उस टाइम आप क्या कीजिएगा, ठंडे पानी लीजिएगा और ठंडे पानी से क्या कीजिएगा, उसमें उंगली डाल दीजिएगा। नहीं तो वैसे अगर पास आपके पास उपाय नहीं है तो बर्फ़ लीजिएगा, बर्फ़ के ज़रिए उस उंगली लगाइएगा, उंगली हो या पैर हो कहीं पर भी ब्लड जम जाए तो इसके लिए ऐसा किया जाता है। तुरंत घाव लगे तो उस टाइम बर्फ़ लेकर वहाँ पर सिकाई कीजिए, जिससे वहाँ के ब्लड का संचार क्या हो, होने लगे, वहाँ पर थक्का ना जमे। ये है सेकेंड स्टेप। कभी कभी पता है घर वाले मार देते हैं या कहीं पर से आप गिर जाते हो तो उस टाइम रक्त का ऐसा जमा हो जाता है, ऐसे ही जान पड़ जाते हैं, ऐसे टाइप के देख रहे हो, घाव लग जाता है, जैसे बाईसाइकिल मोटरसाइकिल कैसे भी आप चलाते हो या कोई आपको मार, तो उस टाइम क्या हो जाता है, आपके ऐसे निशान पड़ जाते हैं ब्लू ब्लैक के। तो इस टाइम मतलब ये तो ज़्यादा समय हो गया, ये लगभग 10-15 मिनट पर ऐसा हो जाता है, तुरंत तुरंत तो अभी रेड रहता है ऐसे टाइप का। तो उस टाइम आप बर्फ़ की सिकाई कीजिए, बर्फ़ की सिकाई कर लेने के बाद लगभग जब तक ये आपको थोड़ी राहत ना दे दे तब तक आप क्या कीजिएगा, बर्फ़ की सिकाई कर लीजिएगा। ओके, तो बर्फ़ की सिकाई कर लेने के बाद आप इसे मतलब 5-10 मिनट तक इसे बर्फ़ की सिकाई कीजिएगा। उसके बाद आप हल्दी लीजिएगा और चूना लीजिएगा, 50 ग्राम हल्दी और लगभग 5-10 ग्राम चूना, 5-10 ग्राम अर्थात एक चुटकी चूना लीजिएगा, उसे उसमें डाल लीजिएगा चूने में और आँच पर रख दीजिएगा, अर्थात गैस चूल्हा है तो उस पर ही रखकर आप पका लीजिएगा, जब तक वो लाल ना हो जाए और एक कड़े पेस्ट की तरह ना हो जाए। कड़े पेस्ट अर्थात एक कोलगेट का पैक होता है, पेस्ट होता है जो उसके अंदर रहता है, थोड़ा हार्ड टाइप का होता है, वैसे टाइप का हो जाना चाहिए। उसके बाद वो हो जाने के बाद आप उसे लगाइए और उतारिए, लगाइए और उतारिए, जिससे क्या होगा, आपकी जो ब्लड है वो ब्लड की जो वहाँ पर जो थक्के हैं वो थक्के ऑटोमेटिक वहाँ पर जमने नहीं होंगे और वो उनकी टेम्परेचर बीट बढ़ाएगा और वो लोग जितने भी हार्मोन्स होंगे अर्थात जितने भी वहाँ आकर बैक्टीरिया जमी हो रही हैं वो सभी बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ दूर हटेंगे, समझ रहे हैं, इस तरह करके दूर हटेंगे और आपके आपके पैरों में छाले नहीं पड़ेंगे, ऐसे ब्लैक ब्लैक नहीं होगा, ऐसे ही ब्लैक दाग आप नहीं होगा, बस ये रेड रेड टाइप का थोड़ा दाग रह जाएगा। तो इसके लिए आपको मैं एक ट्यूब ही बता दे रहा हूँ और दवाई भी बता, और इस टाइम जब ये होता है ना तो बहुत सारा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दर्द असहनीय होता है। तो इसकी एक दवा भी होती है, ये तो फर्स्ट मैंने आयुर्वेदिक दवा बताई कैसे, और एक और दवा है पता क्या, जब आप कहीं पर भी अगर कोई दवा ना मिल पाए, आपके पास कुछ ना हो, तो कोलगेट का पेस्ट ही आप लगा सकते हैं। कोलगेट का पेस्ट आप कब लगाइएगा, जब इस पर वो कर लीजिएगा, जैसे ठंडे बर्फ से उसे धो लीजिएगा, उसके बाद गर्म पट्टी से कर लीजिएगा, उसके बाद आप गर्म पट्टी अर्थात जो हल्दी और चूना का जो हम लगाने को पेस्ट कहे हैं वो लगा लीजिएगा। उसके बाद जाकर आप क्या कीजिएगा कि लगाने के बाद कुछ एक घंटे तक उसे छोड़ दीजिए राहत होने के लिए, ठंडे होने के लिए, उसके बाद आप उस पर कोलगेट लगा लीजिएगा। कोलगेट लगाने से पता है क्या होगा, वहाँ लगाने से वो
क्या हो जाएगा, और जितनी भी वो बीट है वो सभी के सभी कूल होंगे, ठंडी होंगे। और एक और बात कि ये तो कूल होंगी तो और आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है एक मिनिमम स्थान से वो जाता और आते रहेंगे। ओके तो ठीक, तो अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। ये तो मैंने दो फिगर और दोनों के बारे में आपको बताया कि हाँ ये कैसे और किस तरह करके होता है। वैसे आपके पैर कहीं पर भी हो सकता है, जैसे सिर पर ही चोट लगे या कहीं से भी, उसके लिए ऐसा उपाय है। ठीक। तो हम ज़्यादा बोर नहीं करना चाहते आपको, तो ठीक है। मैं आपको अब ये तो हमने एक दवा बता दिया घर वाला, अब एक और दवा बता रहा हूँ जो क्लिनिक पर मिलता है। इसमें बहुत सारा दर्द होता है जब ऐसे चोट लगती है, ऐसा चोट लगता है तो उस टाइम बहुत तेज दर्द होता है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, कम भी फ्लेम ले लीजिएगा, मतलब दर्द कोई भी दर्द की दवा ले लीजिएगा, और वो आपको सुबह शाम करके 3 दिन दवा खानी है, अर्थात 6 गोलियाँ दवा खानी है। और एक पेस्ट का मैं नाम बता देता हूँ, तो चलता हूँ मैं व्हाट्सएप पर मैं एक डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर में एक कनेक्ट, मैंने उनसे एक बार दवा पूछा था तो वो मुझे हमें बताए थे। ये रहे गवर्नमेंट डॉक्टर, ये है, देखिए हम इनसे इनकी पहले आपको प्रोफाइल दिखा देते हैं। ये है फ्री डॉक्टर हेल्पलाइन नंबर, ये गवर्नमेंटेड है, इनसे मेरी परिचय हुई थी और बात हुई थी। तो ये है उनका ये, और ये उन्होंने दवाई का नाम बताया था। दवाई का नाम आप देख रहे हैं, ये दवाई का नाम क्या लिखा है, थ्रोम्बोफोम ऑरिमेंट ऑइंटमेंट। हमें ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, ज़्यादा इंग्लिश में नहीं पढ़ पाता हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये रही दवा के नाम, आप तो देख सकते हो अपनी आँखों से, ये रहा। और ये रहा कम फ्लेम, मॉर्निंग एंड इवनिंग 3 डेज आपको खाने होते हैं। मुझे भी ये हुआ था, इसीलिए मैं इन डॉक्टर से पूछा था, तो मुझे डॉक्टर ने ये बताया था। तो यह बहुत लाभकारी दवा है, लगभग मेरा एक दिन ही हुआ मेरा दर्द और ब्लड जो ब्लैक था वो भी समाप्त हो गया है। तो आप तो ये तो समझ गए हैं दोस्त, कितना बढ़िया है। ये गवर्नमेंटली डॉक्टर का नंबर है, आप इन पर फोन मत कीजिएगा और ना ही इनसे व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा। मैं अब डायरेक्ट आपको अपने टॉपिक पर ले चलता हूँ। तो इन सबको ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और एक और दोस्त, एक और बात, देखिए मैं एक और चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। क्या कि यह मेरा चैनल है और वीडियो के नीचे यही ऐसा सब्सक्राइब रेड बटन आपको दिखा रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह करके आप क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो मुझे खुशी होगी, और ये फ्री रहता है, एक भी रुपया नहीं कटता है। और जब उस पर रेड वाले पर क्लिक कर देंगे तो ये ब्लैक में आ जाएगा, क्या सब्सक्राइब्ड लिख देगा, मतलब आप सब्सक्राइब्ड हो। और एक घंटी वाली ये बटन दबा दीजिए, जिससे हमारा जो भी वीडियो होगा ना आपको तुरंत तुरंत मिलता रहेगा। समझ रहे हैं दोस्त? तो और सब तो मैं आपको सब कुछ बता ही दिया हूँ, तो अगर कोई और बात फंसी हो या कोई और फंसी सॉरी और कोई और बात है, जैसे और कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे मुझसे बताइए, मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। मैं हेल्थ मतलब लाइफ केयर, मतलब लाइफ की हर एक बाधाओं, हर एक चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। आई एम द परफेक्ट इन ऑल ऑल प्रॉब्लम, मैं सभी सभी प्रॉब्लम मैं सभी प्रॉब्लम के लिए परफेक्ट हूँ। जो भी समस्याएं हो उनको उनके लिए मैं परफेक्ट हूँ, मैं उनको समाप्त करने के लिए एकदम परफेक्ट हूँ। समझ रहे हैं? तो अगर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, कमेंट में लिख कर दीजिए। देखिए वीडियो जैसे है ना, जैसे आप क्या करेंगे, जैसे यही है वीडियो, वीडियो में ऐसे गए तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको हम बता रहे हैं, यहाँ नीचे सपोज मान चलिए कि ऐसे ही वीडियो है, वीडियो के नीचे एकदम सबसे मान चलिए लास्ट वाला वीडियो है, एकदम ऊपर चलते चले जाएगा, ऊपर चलते जाएगा एकदम लास्ट में ऐसा, जहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, आपको एक ऐसी जगह मिलेगी यहाँ पर, जहाँ पर नीचे लिखा होगा कमेंट, तो वहाँ कमेंट बॉक्स में आप जाकर लिखिएगा अपनी प्रॉब्लम कि हाँ मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, ये ऐसे नहीं मिल रही है, या मुझे जो भी चीज़ मैं ये कर चुका हूँ या वो कर चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे बताए ये रास्ता तो मैं बताऊँगा, मतलब जैसी आपकी वो हो। मैं संदीप महेश्वरी से भी बढ़िया बता सकता हूँ,
मैं संदीप महेश्वरी की तरह ज़्यादा से ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करूँगा, आधे घंटे नहीं बिताऊँगा ही हा हू करके, और प्रॉब्लमों को ही नहीं बस सुनाऊँगा कि हाँ जब ये प्रॉब्लम होती तो ऐसी होती है। होती है ना, तो सभी लोग मुस्कुरा कर बोलते हैं हाँ। समझ रहे हैं दोस्त, हम ऐसे नहीं डायरेक्ट एक पॉइंट एक बात में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्त, जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया, और लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए, मैं सभी को सलूशन बताऊंगा यार। मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ, आप ठीक हो जाओगे। तो धन्यवाद दोस्त, लाइफ में हमेशा खुश रहना, कभी गम में मत रहना, कभी गम हो तो मुझे जरूर याद करना। तो धन्यवाद।